हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडयाल। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस शख्स को, इस महानुभाव को। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है जॉन विक्लिफ, चौसर एज के वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट राइटर, जिनका बहुत योगदान रहा है, ना सिर्फ एज अ राइटर बल्कि उस समय के सोशल रिफॉर्म में भी। तो जानना चाहते हैं आप इनसे संबंधित वो सभी फैक्ट्स जो एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जॉन विक्लिफ के बारे में सबसे पहले इनसे संबंधित है लोलार्ड मूवमेंट, जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो दोस्तों, लोलार्ड मूवमेंट को शुरू करने का श्रेय इसके कर्ता धर्ता जॉन विक्लिफ थे, ठीक है? और ये लोलार्ड मूवमेंट एक प्रकार की रिलीजियस मूवमेंट थी, धार्मिक मूवमेंट थी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों जॉन विक्लिफ ने ये लोलार्ड मूवमेंट शुरू की, ये रिलीजियस मूवमेंट शुरू की? तो आपको पता है, 14th सेंचुरी में ना हालात अच्छे नहीं थे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत उल्लू बनाया जाता था। चर्च में इस प्रकार की भ्रांतियां थी कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है, इतने पैसे दे दो तो आपका पाप माफ हो जाएगा। अच्छा, एक पाप हुआ है, 100 रुपए दे दो। दो पाप हुए हैं, 200 दे दो। अच्छा, 5 हुए हैं, कोई बात नहीं, 300 में हो जाएगा। तो इस प्रकार का गलत मैसेज एक सोसाइटी में जा रहा था, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा था, और भी बड़ी सारी बातें थी। तो विक्लिफ एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसमें एक वो सूझबूझ थी, एक वो अंडरस्टैंडिंग थी कि बाकी सब चाहे भेड़चाल में चल रही हो, बाकी सारे उल्लू बन रहे हो, पर ये नहीं बन रहे थे। और इन्होंने ये हिम्मत रखी, जोश रखा कि ये आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ, इसको बदलने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने लोलार्ड मूवमेंट शुरू की थी, जो कि एक प्रकार की रिलीजियस मूवमेंट है, धार्मिक मूवमेंट है। और क्योंकि इन्होंने एक नया रिफॉर्म लाया समाज में, रिलीजियस लेवल पे एक नई चीज लाई, तो इस वजह से दोस्तों हम इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन यानी कि रिफॉर्मेशन का सुबह का तारा, वो जिसने नहीं बनने दिया हमें बेचारा, एक नई क्रांति लेकर आए, फालतू की रिलीजियस चीज को भगाया और हमें नई चमचमाती लाइफ से अवगत कराया। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और वो सभी पर्सन जो जॉन विक्लिफ की इस लोलार्ड मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उन्हें हम दोस्तों लोलार्ड कहते थे, ठीक है? तो विक्लिफ की मूवमेंट है लोलार्ड मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट। क्यों शुरू की गई? क्योंकि लोग उल्लू बन रहे थे, तो उससे उनका दूर हो, वो समझदार बने, और इसके तहत जो जो विक्लिफ से जुड़ता गया इस मूवमेंट में, वो लोलार्ड कहलाता गया, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको कहना चाहूंगी, जॉन विक्लिफ को हम फादर ऑफ प्रोज भी कहते हैं, ठीक है? फादर ऑफ प्रोज भी कहते हैं, पर एक एल्फ्रेड भी है, उनको भी हम फादर ऑफ प्रोज कहते हैं। पर जो एल्फ्रेड है वो बेसिकली एंग्लो सैक्सोन एज में फादर ऑफ प्रोज कहलाए जाते हैं, जबकि चौसर एज एंड ऑनवर्ड फादर ऑफ प्रोज जो है जॉन विक्लिफ कहलाए जाते हैं। तो ये खास बात है, जैसे मैंने आपको चौसर को लेकर बताया था, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का बीज बोया जो इतना बड़ा बना एंड ऑल, तो वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में जो प्रोज का पोर्शन है उसके फादर बेसिकली हम विक्लिफ को कहते हैं। पर हाँ, चौसर एज से पहले जब एंग्लो सैक्सन एज थी, तो यही ऑहदा एल्फ्रेड को दिया गया था। सो बोथ आर फादर ऑफ प्रोज, पर एल्फ्रेड एंग्लो सैक्सन एज के तहत फादर ऑफ प्रोज है, जबकि विक्लिफ चौसर एज ऑनवर्ड फादर ऑफ प्रोज है। उसके बाद दोस्तों खास बात की, क्यों हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं? क्योंकि एक प्रोज वर्क है बाइबल, जैसे हमारी धार्मिक किताब है रामायण, महाभारत, भागवत गीता, वैसे ही इंग्लिश क्रिश्चियन में बाइबल है, आपको पता होगा। तो बाइबल की ट्रांसलेशन इन्होंने की थी, उसकी ट्रांसलेशन की थी। बाइबल एक प्रोज वर्क है और ये इंग्लिश में एक ट्रांसलेट करके प्रोज वर्क लेकर आए, तो हम इन्हें फादर ऑफ प्रोज कहते हैं कि बिगिन अगर इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज की है तो वो इन्होंने की है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों इसके तहत ही बताना चाहती हूँ, गॉस्पेल्स भी हैं, उनकी भी उन्होंने ट्रांसलेशन की थी। 1382 1382 में उन्होंने गॉस्पेल्स की भी ट्रांसलेशन की थी। अभी गॉस्पेल्स क्या है? देखिए, बाइबल में यीशु मसीह का जिक्र है, जीसस क्राइस्ट का जिक्र है,
तो उनसे संबंधित जो कहानियां हैं वो बेसिकली गॉस्पेल्स में लिखी गई हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कहानियां इसमें लिखी गई हैं। तो उसमें जो भी कहानियां हैं गॉड से संबंधित, बाइबल से संबंधित, जीसस क्राइस्ट से संबंधित, यीशु से संबंधित, उन सबको जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो इन्होंने बेसिकली रिलीजियस वर्क को ट्रांसलेट किया है, बाइबल को भी और गॉस्पेल्स जिसमें बाइबल से ही संबंधित बातें लिखी गई हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, लाइक करें, और इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का। आने वाले एनटीए एग्जाम के लिए वहां पर पॉकेट फ्रेंडली कोर्स लॉन्च हो चुका है। साथ में दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वारी है स्टडी रिलेटेड आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ हमें फॉलो करिए डिफरेंट मीडिया साइट्स पे, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, हमारा परिवार है, और बढ़ाइए और प्यार से खुशियों से आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं आने वाले एक और ऑसम ब्लॉसम लेसन में। टेक केयर।